ये सोया मिल्क है, देखिए ये बिल्कुल गाय के दूध के जैसा है। इसकी बहुत उपयोगिता है, इसका आप चाय भी बना सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, इसकी दही भी बन सकती है और साथ ही इसका पनीर भी बनाया जाता है जिसको टोफू कहते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है और साथ ही प्रोटीन से भरपूर होता है। सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम बनाने जाएंगे सोयाबीन से सोयाबीन। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये सोयाबीन का दाना है, इसको हमने 7-8 घंटे भिंगा लिया है और चाहे तो आप रात भर भिंगा सकते हैं। अब हमको इसको ऐसे मसलना है और इनके छिलके अलग करना है। तो हमको धीरे धीरे करते हुए ऐसे रगड़ते हुए इनके छिलकों को अलग कर लेना है। देखिए बहुत आसानी से इसके छिलके अलग हो जाते हैं। इसमें हमको जितने इसके छिलके आसानी से निकालते बने हम उतने सारे छिलके निकाल लेंगे। देखिए ये सब छिलके ऊपर आ गए हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह से हमको रगड़ के 2-3 बार इसको धोना है। जितना ज्यादा से ज्यादा छिलका इसका हम निकाल सके उतना निकाल लेते हैं। ये जो सोयाबीन है इसकी मात्रा 100 ग्राम है। अब हम इसको पीस लेते हैं, एकदम महीन पीसना है इसको। 100 ग्राम सोयाबीन के दाने पर हम 1 लीटर दूध बनाएंगे। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसी पानी से हमको इसको पीसना भी है और पूरे पानी को 2-3 बार करके इसे पीसते हुए मिला लेना है। इसमें हम थोड़ा पानी और मिलाएंगे और खूब बारीक पीसेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा पानी डालकर और फिर से पीसती हूँ इसको। ये एकदम पीस चुका है, एकदम महीन पीसा है इसको हमने। अब इसको हम छान लेते हैं। तो एक बड़ी गंजी ली है हमने और उसके ऊपर एक छन्नी लगा के रखा है और ये पतला कपड़ा एक इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। और बचे हुए जो बीज हैं उसको भी इसी तरह से पहले पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से पूरा पीस गया है। अब हम इसको निचोड़ लेते हैं। तो निचोड़ने के बाद यदि देखेंगे अगर इसमें अगर बीज रह गया हो तो हम इसको फिर से पानी डालकर पीस सकते हैं। इस तरह से निचोड़ते हुए हमको दूध निकाल लेना है इसका। हम इसमें पानी डालकर थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं इसको और अच्छे से फिर निचोड़ लेंगे। इसका पूरा सत हमने निकाल लिया है। और ये जो पल्प है इसका हम उपयोग में ला सकते हैं। इसे हम बेसन आटा और इसको मिलाकर अच्छे मसाला वगैरह डालकर इसका पूड़ी पराठा कुछ भी बना सकते हैं। आपको जो भी बनाने की इच्छा हो बना सकते हैं और अगर ना बनाना चाहें तो फेंक दीजिए। वैसे ये भी पौष्टिक ही है, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा उतनी ही होगी। पीसते वक्त हमने 1/2 लीटर पानी को लिया था, अब ये 1/2 लीटर पानी को भी इसमें मिला देते हैं। अब हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर ही उबालना है और 10 से 15 मिनट इसको उबालना है।
और लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे में दूध बैठे ना। अगर नीचे में दूध बैठ जाएगा तो बहुत जल्दी इसके जलने की संभावना रहती है, और अगर जल जाएगा तो हमारा दूध अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको बहुत सावधानी से चम्मच चलाते हुए गर्म करना है। इसमें उबाल आने के साथ साथ जो झाग आ रहा है इसको हमको अलग कर लेना है। देखिए मैंने झाग को अलग कर लिया है, अब इसको 5 मिनट हमको और उबालना है। इसी समय हमको एक चुटकी इसमें खाने का सोडा डाल देना है ताकि ये अच्छे से मिल जाए। इसमें सोयाबीन दूध का हम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है हमको पहली बार जब यूज करें तो इसका स्वाद थोड़ा अलग लगे, परंतु ये प्रोटीन से भरपूर होता है और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए ये बहुत काम आता है। पशुओं का दूध लेना जिनके लिए हितकारी नहीं है उनके लिए ये सोयाबीन का दूध बहुत अच्छा है, तो इसे आप अपने घर में जरूर बनाकर देखिए। देखिए 5 मिनट हो चुका है इसको उबलते हुए, और कुल मिलाकर मैंने इसको 15 मिनट पकाया है। ये दूध बनकर तैयार है, अब इसको आप उपयोग में ला सकते हैं। चाहे तो आप चाय बना लें, दूध पी लीजिए, या दही जमा लीजिए, या टोफू बना लीजिए। आप इसका जैसा भी उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।